हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और सभी का केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना, उस परमाणु संरचना में अपन ने टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या चल रहा था? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बनाने के संबंध में अपना सिद्धांत चल रहा था आपको सिद्धांत। और आपको सिद्धांत में तीन नियम पढ़े थे अपने। पहला नंबर 1 है पावली का अपवर्जन नियम, नंबर 2 था अपने कुंड की अधिकतम भूलकता का नियम, और नंबर 3 था अपना N+L नियम। तो अपने जो 2 थे पावली का अपवर्जन नियम और कुंड की अधिकतम भूलकता का नियम, वो अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज का अपन नंबर 3 नियम रहेगा N+L नियम। N+L, N यानी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और L यानी द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या। क्या है अपना N+L नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या है? ये एक महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम क्या है? इंपॉर्टेंट नियम है। ये नियम क्या कहती है? कि ये नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन को उन ऊर्जा के क्रम में भरो, यानी इलेक्ट्रॉन सदैव किसमें भरे जाते हैं? ऊर्जा के क्रम में। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्रम के अनुसार, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के क्रम के अनुसार भरे जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को पहले कम ऊर्जा में, इलेक्ट्रॉन पहले, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाली कक्षक, कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा के में भरा जाएगा, फिर उससे अधिक ऊर्जा के में भरा जाएगा। तो अब यानी अपन को यह कैसे पता पड़ेगी जो विभिन्न जो परमाणु कक्षक हैं उनकी ऊर्जा का क्रम क्या होता है, यानी किस आपस में उसकी तुलना की जाए, किस कक्षक की ऊर्जा अधिक होगी और किस कक्षक की ऊर्जा कम होगी। तो उसका जो निर्धारण करता है वो करता अपना N+L नियम। यानी कक्षकों की ऊर्जा के बारे में जानकारी कौन देता? अपना N+L नियम। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले, यानी इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाएंगे। तो कम ऊर्जा किस, क्योंकि इसका N+L यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या का योग कम होगा, उसकी ऊर्जा कम होगी। यानी इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए N+L का योग, N+L का योग कम होता है, N+L का योग कम होता है, उसकी ऊर्जा कम होती है। यानी जिस कक्षक के लिए N+L मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या का योग कम होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। उसकी ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षक में भरे जाएंगे, ठीक है। और यदि जिन्हीं दो कक्षों के लिए N और L का मान, N+L का मान समान आता है, तो यदि N और L का मान समान आ रहा है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, जहां आता है तो उस कक्षक की
तापमान कम हो, यानी ऊर्जा का क्रम कौन सा नियम बताता अपना एन प्लस एल नियम। इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, कम ऊर्जा वाली कक्षक में, किसमें भरे जाते हैं कम ऊर्जा वाले, फिर भरे जाते उससे अधिक ऊर्जा वाली कक्षक। तो ऊर्जा के बारे में जानकारी कौन दिया था अपना एन प्लस एल नियम, यानी इलेक्ट्रॉन को पहले उसमें भरेंगे जिस कक्षक के ये एन प्लस एल का मान कम हो, यानी मुख्य कौन संख्या और द्विम गोष्ठी कौन संख्या का योग कम आ रहा हो उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और कम होगी उसका ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी कक्षक में भरे जाएंगे। माना किसी कक्षक के लिए N और L और संख्या का योग बराबर आ रहा है तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए N का मान कम होगा, तो ये अपना N प्लस L नियम। अब हल्का सा मैं डिटेल आपको एग्जांपल देर सोल्व कर रहा हूँ कि अपने को कैसे पता पड़े कि किन कक्षक की ऊर्जा कम होगी किन की अधिक होगी। इसके लिए मैंने आपको क्वांटम संख्या निकाली थी N, L, M और S के मान निकालना मैंने आपको बता दिया था, उसके अकॉर्डिंग पर N और L के मान निकाल लेंगे। तो जैसे मैं आपसे कहूं मैंने आपको इलेक्ट्रोविन्यास दिया 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4s 3d इस क्रम में अपना इलेक्ट्रोविन्यास चलेगा। तो अपन इनके लिए अपन n प्लस l का मान निकालते हैं। आपसे पूछा है कि 1s और 2s में किस ऊर्जा कम होगी जिसके लिए अपना n प्लस l का मान कम आ रहा है, जिसके लिए n प्लस l का मान कम हो, जिसके लिए n प्लस l का मान कम हो उस ऊर्जा कम हो। तो 1s के लिए n प्लस l का, तो n कितना है यहाँ पर एक, s p d x पर जो संख्या लिखी जाती है ये सभी क्या होती है अपनी n, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। तो ये n की वैल्यू कितनी है एक, प्लस s के लिए कितना होता है जीरो, यानी अपने s के लिए लिखा था s p d और f, s p d f कक्षक, इनके लिए अपने l के मान क्या निकले थे, l के मान, l के मान, s के लिए l का मान कितना आया था जीरो, p के लिए कितना आया था एक, d के लिए कितना आया था दो, f के लिए कितना आया था तीन, ये अपने द्विम गोष्ठी क्वांटम संख्या थी उसमें अपन ने निकाली थी। यानी s कब लिखेंगे जब l का मान कितना है एक, p कब लिखेंगे जब l का मान कितना है दो, d कब लिखेंगे जब कितना है तीन, f कब लिखेंगे जब l का मान कितना है तीन, ठीक है। तो यहां पर s है, s के लिए l का मान कितना होता है जीरो, योग कितना है अपना एक, योग कितना है एक, ठीक। इसी प्रकार 2s, 2s के लिए n का मान कितना है अपना दो, n का मान कितना है दो, प्लस s, s के लिए l का मान जीरो, योग कितना आ गया दो, योग कितना आ गया दो। तो 1s के लिए n प्लस l का मान एक और 2s के लिए n प्लस l का मान दो। तो किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है 1s की तुलना में 2s की ऊर्जा ज्यादा है, इन ऊर्जा क्रम क्या होगा जी। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे 1s में, फिर किसमें भरे जाएंगे 2s में, ठीक। अब इन दोनों का तुलना कीजिए, तो 2p के लिए n प्लस l का मान, n कितना है यहां पर दो, प्लस p कितना है, p के लिए l का मान कितना आता अपना एक, एक, योग कितना आ गया तीन, योग कितना आ गया तीन। तो 2s के लिए n प्लस l दो, 2p के लिए तीन, तो किसके लिए आ रहा है 2p के लिए, किस ऊर्जा ज्यादा होगी 2p की, तो ये पहले भरा जाएगा 2s में, फिर भरा जाएगा 2p। चलिए यहां देखिए 3 के लिए n, s के लिए n का मान कितना है तीन, l का मान कितना है s के लिए जीरो, योग कितना आएगा अपना तीन, यहां पर भी तीन, यहां पर भी तीन, 2p के लिए भी तीन आएगा n प्लस l और 3s के लिए कितना आएगा तीन। तो अपन लिखा है जहां n का मान कम हो, जहां n का मान कम हो, n का मान कम हो, या n कितना है दो या कितना है तीन, तो पहले ऊर्जा इसकी कम होगी इसमें भरे जाएंगे, फिर भरे जाएंगे इसमें, ठीक है। 3p, 3 की p के लिए n का मान कितना है तीन, l का मान कितना है एक, योग कितना आएगा चार, इसकी तुलना में इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो पहले आएगा 3s, फिर आएगा 3p। अब चलिए 4s और इसके बाद 3d, 4s के लिए n प्लस क्या लगा n कितना है चार, L कितना है जीरो, योग कितना है चार, 3D के लिए N कितना है तीन, L कितना है दो, योग कितना आ गया पांच, कितना आ गया
जो परमाणु जो कक्षक होते हैं ये इनकी ऊर्जा का क्रम इलेक्ट्रॉन भरते समय पहले इलेक्ट्रॉन किस नंबर होगा कम ऊर्जा के ऊर्जा का क्रम कैसे निकलता है ये नियम था अपना एन प्लस एल नियम ठीक है। इस ऊर्जा के क्रम के अकॉर्डिंग अपने को इलेक्ट्रॉन विन्यास भरे जाते हैं। जब अपने विभिन्न तत्वों को इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना शुरू करेंगे सीखेंगे तब अपने इस नियम का उपयोग करेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जहां कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।